तो दोस्तों हमारे जो बजीज है वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो चलिए इन्हें दाना दे देते हैं। और आज ईद का दिन भी है, हम नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, और अभी हमारे बजीज को हमें देना है दाना, तो पहले दाना दे देते हैं दोस्तों। दोस्तों हम कुछ बजीज सेल भी करने वाले हैं, जो कोई भी भाई नागपुर से हो उन्हें हम बजीज देंगे, क्योंकि सिटी में हमें देना आसान होगा, बाहर डिलीवरी हम नहीं दे सकते इस वजह से दोस्तों। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नाम और नंबर मेंशन करें, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों नीचे भी दे देते थोड़ा सा दाना। और इसी के साथ साथ दोस्तों हम अभी टर्टल भी लाने वाले हैं, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी। और अभी हमारे बजीज को हमने दाना दे दिया है, वो बहुत शौक से खाते हैं। हेलो दोस्तों और सभी भाइयों को ईद मुबारक। तो दोस्तों आज ईद का दिन है और हमारे बजीज पैरट्स को हमने दाना दिया हुआ है, और बारिश बहुत ज़्यादा आई है दोस्तों। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत ज़्यादा बारिश आई है आज, तो चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और ईद के टाइम पे नमाज़ के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, सारा ही गीला गीला हो गया है। और हमें अभी इन्हें छोड़ना है, तो दोस्तों इन्हें भी हमने आज़ाद कर दिया है और गेट लगा दिया है, नहीं तो ये बाहर चले जाएंगे। और बहुत ज़्यादा दोस्तों आजकल ये लड़ाई कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं एक बार, देखिए दोस्तों कैसा ये मार रहे हैं एक दूसरे को। तो दोस्तों इन्हें मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहा, लेकिन ये नहीं संभल रहे हैं, तो हम इन्हें भी सेल कर देंगे, या किसी भाई को चाहिए अगर वो नागपुर से है तो हम उन्हें भी दे देंगे हमारे चिकन। तो दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दे, और हम जने ज़रूर उन्हें देंगे। तो दोस्तों हमने दाना डाला हुआ था, और हमारे भजीज बहुत शौक से दाना खा रहे हैं अभी। सामने वाला एक बच्चा है, और बाकी के तीन तो दोस्तों एडल्ट है, बड़े हो चुके हैं। एक ब्लू वाला बहुत पुराना है, जो कोने में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो अभी खाना खाने देते हैं इन्हें। तो दोस्तों हमारे पास येलो कलर के ज़्यादा बजीज है, तो हम इन्हें सेल कर रहे हैं, और कम से कम दोस्तों 20 बजीज को सेल करना है हमें। और इसी के साथ साथ जो हमारे चिकन है उन्हें भी हम सेल कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जगह अवेलेबल नहीं है। जब तक हमारे पास अच्छी जगह अवेलेबल नहीं हो जाती, हम इन्हें बेच डालते हैं, फिर हम नए वाले लेके आ जाएंगे, और हम इस बार गौरानी चिकन लाएंगे। तो दोस्तों अभी हमने मुर्गियों को छोड़ा हुआ है, अभी कुछ देर चरने देते हैं। और हमारे बजीज भी अंदर बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गई है, इस वजह से इनकी आवाज़ भी ज़्यादा आ रही है। तो दोस्तों इन्हें भी अभी खेलने कूदने देते हैं, और ब्लॉग के कर यही ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। देखते रहिए दोस्तों रजा पेज।